पुलिस ने नेहा को नोटिस भेजकर सोचा था कि वे डर जाएंगी, लेकिन नेहा ने आज दिखा दिया कि वे फायर हैं फायर। नेहा के समर्थन में खड़े हुए कवि कुमार विश्वास बोले, सरकार विचलित होने लगे तो समझो सरस्वती कंठ में सही शब्द उतार रही हैं। नेहा ने भी सामने आकर कहा, जो लिखती हूँ सोच समझ के लिखती हूँ, मैं भांग का नशा नहीं करती। देखिए नेहा का नया अवतार अब कैसे बढ़ा रहा यूपी का पारा और कौन कौन साथ आकर हुआ खड़ा। लोक कलाकार नेहा सिंह राठौर अपने गाए गाने के बाद से लगातार चर्चाओं में हैं, न केवल चर्चाओं में बल्कि विवादों में भी हैं। अभी तक तो नेहा और दूसरे कवि ही उनकी आलोचना करते थे, अब तो यूपी की पुलिस भी सीधे सवाल खड़े कर रही है। पुलिस भले ही नेहा को बख्शने के मूड में ना हो, लेकिन नेहा को अब देश के सबसे ख्याति प्राप्त कवि कुमार विश्वास का साथ मिल गया है। ये अपने आप में बड़ी बात होने के साथ साथ नेहा के लिए मौलिक जीत मिलने जैसा भी है, क्योंकि कुमार विश्वास विवादों से दूर रहने वाले वो चेहरे हैं जो बहुत सोच समझ कर ही किसी के साथ खड़े नजर आते हैं। मंगलवार को यूपी पुलिस ने नेहा को नोटिस दिया था, इसमें उनसे 7 सवालों के जवाब मांगे गए हैं। नेहा सिंह राठौर को नोटिस दिए जाने का अखिलेश यादव और विपक्ष के कई नेताओं ने विरोध किया है। अखिलेश यादव ने इसको लेकर योगी सरकार पर निशाना भी साधा। इसी बीच कवि कुमार विश्वास ने भी यूपी सरकार को घेरा है। नेहा सिंह राठौर के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए कवि कुमार विश्वास ने लिखा कि उत्सव मना लड़की, जब किसी जन कवि के गीत गाने भर से पुलिस प्रशासन सरकार विचलित होने लगे तो समझो सरस्वती तुम्हारे कंठ में सही शब्द उतार रही है। आजम साहब की भैंस ढूंढने में जुटती रही महान पुलिस आज तुझ तक पहुंची है। आरती उतारो दरोगा जी की, हमने भी पंजाब वालों को लस्सी पिलाई थी। नेहा सिंह राठौर ने भी पुलिस के नोटिस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि मेरा काम सवाल करना है, जवाब देना सरकार का काम है। मैं जो गाना लिखती हूँ वो भांग खाकर नहीं लिखती हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे गाने पर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे मैं कोई अपराधी हूँ। यूपी में काबा गाकर क्या मैंने कोई क्राइम कर दिया है? सरकार जो कर रही है उससे साफ है कि इस देश में किसी एक लोक गायिका को अपनी बात रखने का अधिकार भी नहीं है। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में नेहा सिंह का गाना यूपी में काबा काफी सुर्खियों में था। वहीं अब कानपुर देहात में हुई दर्दनाक घटना के बाद उन्होंने इस गाने के पार्ट 2 सोशल मीडिया पर शेयर किए थे। इसी गाने को लेकर अब लगातार विवाद तूल पकड़ रहा है। सोशल मीडिया पर भी लोग दो धड़ों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। कोई नेहा सिंह के साथ खड़ा है तो कोई पुलिस के नोटिस को सही ठहरा रहा है। अब देखना होगा कि 3 दिन होने पर नेहा सिंह राठौर पुलिस को अपने जवाब में क्या सफाई पेश करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।